बाबा रामदेव की मुश्किलें कोर्ट से सुनवाई के दौरान बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज दवाओं के बनावटी विज्ञापन वाले मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली, लेकिन अदालत ने बाबा रामदेव के माफीनामे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस हीमा कोहली ने फटकार लगाते हुए कहा कि हलफनामा हमारे सामने आने से पहले मीडिया में रिलीज हो गया, इसे प्रचार के लिए दाखिल किया गया या हमारे लिए। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने अपनी दलील में अदालत से कहा, हमने 6 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल कर दिया था, रजिस्ट्री ने शायद इसे जजों के सामने नहीं रखा। इसके बाद रामदेव के वकील रोहतगी ने हलफनामे का कुछ हिस्सा पढ़ा, जिसमें बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की तरफ से माफी मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद भी जज ने इस पर एतराज जताया। जस्टिस अमानुल्लाह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट से झूठ बोला गया। साथ ही जस्टिस हीमा कोहली ने कहा कि हम इस हलफनामे को स्वीकार करने से मना करते हैं। वहीं बाबा के वकील ने सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की ताकि ये देखा जा सके कि रामदेव और बालकृष्ण को और क्या लिखकर देने की जरूरत है, जिसे लेकर जस्टिस कोहली ने कहा कि हम कितनी बार समय दें। इतना ही नहीं, मामले में आगे बोलते हुए कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले उत्तराखंड सरकार ने जब आपको विज्ञापन रोकने को कहा था तो आपने उनसे भी कहा था कि कानूनन आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, क्या आपको कानून नहीं पता था। उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 2020 में ये मामला उत्तराखंड सरकार को भेजा गया था, लेकिन उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस मामले में ढिलाई दिखाई, उन अधिकारियों पर भी अब कार्यवाही होनी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उत्तराखंड की दवा लाइसेंस अथॉरिटी के जॉइंट डायरेक्टर को भी कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया था, तो क्या ये माना जाए आपकी इनसे मिलीभगत है। अब कोर्ट ने पहले पद पर रहे अधिकारियों को भी हलफनामा दाखिल करने और अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने को कहा है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के इस पूरे मामले पर जज ने कहा है कि हम आपकी सलाह में कमी नहीं बता रहे, लेकिन पूरे मामले को उसके तथ्यों के आधार पर देखा जा रहा है। अब आगे देखना ये रहेगा कि बनावटी विज्ञापन मामले में बाबा की मुश्किलें कम होंगी या कोर्ट से और फटकार लगेंगी। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनहित टाइम्स।